सब्सक्राइब कीजिए परवेश टेक्निकल को और दबाइए बेल आइकन, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। एक प्रोफेशनल और एचडी लोगो, लोगो की बात करें तो बहुत सारे लोगो होते हैं, जैसे आप 26 जनवरी 15 अगस्त में गूगल से डाउनलोड करके लगाते हैं लोगो और लोग उसकी कॉपी करना शुरू करते हैं, आपसे सेंड मी कह के मांगते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि वो लोगो आप खुद से बनाएं, वो भी अपने हाथों से अपने मोबाइल पर सिर्फ 5 मिनट में। तो कैसे बनाया जाता है इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा, आपको बना के दिखाऊंगा भी, यहाँ तक कि आप उस लोगो में अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। मैं अपना लोगो कैसे बनाया है अपने यूट्यूब चैनल का ये भी मैं बताऊँगा आपको। एक प्रोफेशनल और एक एचडी क्वालिटी का लोगो कैसे बनाया जाता है आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ऐप का लिंक दे दिया है। इस ऐप का नाम है पिक्सआर्ट फोटो एडिटर। इसे हम यहां से ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद इसमें दोस्तों आपको एक ऐड आएगा, ऐड को हम स्किप कर देंगे। अगर आप ऐड स्किप नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद हम इसे अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। क्योंकि हमको बैकग्राउंड लेना है अपने लोगो बनाने के लिए तो हमको नीचे आना होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कलर बैकग्राउंड है, आप बहुत सारा कलर कोई सा भी अपने मनपसंद से आप ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे ऐड आया, इसे हम स्किप करेंगे। स्किप कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स हैं, जो हमारे काम के टूल्स होंगे हम उसको ही यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट्स है, तो चलिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन मैं आपको फास्ट फास्ट करके दिखाते जाऊँ। टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ लिखेंगे हम पीटी। अब यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे इसके बाद आप इसे स्ट्रोक दे सकते हैं। यहाँ से आप इसे स्क्रॉल करके घटा बढ़ा भी सकते हैं। कैपेसिटी तो 100 है और इसके बाद आपको शेडो आप दे सकते हैं। यहाँ से फिर से एक टेक्स्ट ऐड करेंगे हम। यहाँ पे हम इसका भी कलर चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो आपको कलर सही लगे आप चूज कर लीजिए, चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम आएंगे फिर से, ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद फिर से हम बैक आएंगे। पैक करने के बाद फिर से हम यहाँ पे टूल पे आएंगे और टूल पे आने के बाद शेप क्रॉप करेंगे। शेप क्रॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे। आपको आप यहाँ से इसे स्क्रॉल करके घटा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगो बना लेंगे और लोगो बनाने के बाद फिर इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद फिर आप गैलरी में सेव करेंगे। यह भी गैलरी में सेव नहीं हुआ है। यहाँ से फिर ऐड को स्किप करेंगे और ऐड को स्किप करने के बाद यहाँ से हम डायरेक्ट इसे गैलरी में डन कर लेंगे।
चलिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि इसे कैसे बनाया गया है। सबसे पहले प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेंगे। बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पे हम कोई टूल को पहले नहीं लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट राइट करेंगे और टेक्स्ट राइट करेंगे यहाँ पे हम परवेज टेक्निकल, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से आप चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ से अपनी मनपसंद से फॉन्ट चूज कर सकते हैं। जो ये ठीक लग रहा है इसलिए मैंने कर दिया। इसका यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हैं, आपको जिस कलर में रखना है। चलिए ये भी मैंने कर लिया है। अब यहाँ से आप इसको शेडो देना चाहते हैं शेडो दे सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे टेक्स्ट पे आएंगे, करेंगे इसे स्क्रॉल करके घटाएंगे बढ़ाएंगे। यहाँ से इसका अगर फॉन्ट चाहते हैं आप फिर से चेंज करना, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके कलर चेंज कर लीजिए, इसका आप शेडो बढ़ाना चाहते हैं शेडो बढ़ा दीजिए। बाकी और कोई ऑप्शन आपके काम का नहीं है। इसके बाद यहाँ से हम डन करेंगे। डन करने के बाद फिर से हम टूल में आएंगे, टूल में आने के बाद फिर हम शेप क्रॉप करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे शेप हैं, आपको आप इसका यूज़ घटा बढ़ा के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों लोगो बना सकते हैं इजीली पिकार्ड्स का यूज़ करके। यहाँ से हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसे हम गैलरी में सेव करेंगे यहाँ पे, और एक ऐड आएगा उसको हम स्किप कर देंगे। आप 26 जनवरी या 15 अगस्त पे अगर आप चाहते हैं कि आप इंडियन फ्लैग का यूज़ करके उस पर आप अपने नेम का फर्स्ट लेटर लिख के अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाया जाता है ये भी मैं बताऊँगा। प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप एक गूगल से फ़ोटो अपलोड करेंगे, जो कि फ़ोटो अपलोड करेंगे वो भी इंडियन फ्लैग की। तो यहाँ से फ़ोटो को चूज़ कर लेंगे, ऐड आएगा ऐड को स्किप करेंगे। फ़ोटो चूज़ करने के बाद सबसे पहले हम इसमें जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, आपका नाम और कोई एक हम लेटर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से उसका कलर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे टेक्स्ट वगैरह के, यहाँ पे इसे आप टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप इसमें चाहें तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। तो अब मैं इसे आपको डायरेक्ट शेप क्रॉप करके दिखाऊँगा। इस तरह से आप इसे डायरेक्ट क्रॉप करके अपनी डी पी पे लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने नाम का ऐसे डी पी लगाते हैं, तो आप इसे गूगल से डाउनलोड ना करके अपने मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट के अंदर ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पे कर लीजिए। क्योंकि मुझे अच्छा ये लग रहा है सर्कल वाला इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है। तो यहाँ से फिर इसे हम सेव कर देंगे। इस तरह से आप फिर से 2 मिनट का यूज़ करके आप इंडियन फ्लैग में अपना लोगो बना सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है आपको सोशल नेटवर्क या टेक्निकल रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।